शाबाश। आज इसको मजा आ गया। आज तो बस मजा आ गया सैंडविच खा के। यस गुड बॉय गुड बॉय। गुड मॉर्निंग राम राम सा। हेलो गुड मॉर्निंग राम राम सा। एकांश एकांश गुड मॉर्निंग बोलो सबको। करो गुड मॉर्निंग बोलो बिट्टू। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। अभी एकांश का मूड नहीं है क्योंकि अभी अभी उठा ही है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? तो आज अपन बनाने वाले हैं सैंडविच। यस सैंडविच लास्ट टाइम सबके लिए सैंडविच। एक के लिए सैंडविच बनाएंगे। एक बोल रहा था कब से कि सैंडविच बनाओ सैंडविच बनाओ। तो है ना एक सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच खाओगे बिट्टू? खाओगे? कैसा लगता है आपको? अच्छा अच्छा लगता है। एक ने मार्केट में खाया था सैंडविच तो ये बोल रहा है कि पापा मम्मी यहीं घर पे बनाओ हमारे लिए नाश्ते में। तो आज बनाएंगे एक के लिए सैंडविच। तो इसलिए आज हम बनाएंगे सैंडविच नाश्ते में और बहुत इजी बनता है स्वादिष्ट भी होता है बहुत ही। तो नाश्ते में सैंडविच खाना चाहिए हम सबको नाश्ते में। और कुछ ना कुछ आज के लिए आयुष के लिए भी। आयुष तो अभी सो रहा है तो खेल खुला के एक दो घंटे वापस सो भी गया है। और अभी तो ये तो उठा ही है अभी इसको तो आधा घंटा हुआ है उठे हुए। टीवी चल रही है उधर टीवी देख रहे हैं। टीवी देखता है दिन भर स्टोरी देखता रहता है। स्टोरी आती है टीवी के ऊपर वो भी देख लेता है। कहानी आती रहती है तो हिंदी में कहानी आती रहती है ये देखता रहता है। कहानी इसको गाने ही गाने पसंद है और आयुष को सिर्फ गाने गाने पसंद है। ये दोनों लड़ते रहते टीवी के लिए। इसको कहानियाँ चाहिए उसको कैसी गाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों अपना फ्रेंड्स एकता बनाएंगे अभी सैंडविच सबके लिए। हाँ आप सभी के लिए एक एक गर्मा गर्म सैंडविच नाश्ते। ठीक है दोस्तों तो चलो स्टार्ट करें एकता बनाना। तो बनाते हैं। और बस अभी मम्मी पापा जो है खेत में गए हैं। तिल वगैरह है खेत में तो उसका कचरा बांट रहे हैं। बाकी का नाम तो आयुष खाके बताएगा कि कैसा बना और मैं भी खाकर दिखाऊंगा कि कैसा बना। ठीक है दोस्तों तो मैं नहीं खाऊंगी क्या? तुम लास्ट में खाओगे हम खाकर बता देंगे तब तक। ठीक है मैं तो बनाने वाली हूँ तो मेरा नंबर लास्ट में आएगा। इसका नंबर लास्ट में आएगा। मेरा नंबर एकू का नंबर आएगा सबसे पहले। एकू तो एकू तो दूध पी रहा है। बाय बाय करो चलो फिर चलो। हेलो बोलो सब। हेलो बोलो एकू। हेलो हेलो बोलो बाबू। ये नहीं बोलने वाला आज मूड नहीं है इसका। बोलो बोलो बोलो। ये बहुत शैतान बच्चा है लेकिन आज चुपचाप बैठा है। इसका मूड नहीं क्योंकि अभी उठा ही है ना इसलिए। चलिए और हमने कैमरा मैन हूँ तो कैमरा मैन कैमरा उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं कैमरा लेके आता हूँ यहीं पे रुकिए। ठीक है जल्दी से लाइए तब तक मैं गैस के पास जो है तैयारियां करता हूं। तैयारी करते हैं और कैमरा मैन माइक वाइक रेडी करेगा। अभी देखना कैमरा मैन कितनी मेहनत करता है इस वीडियो के पीछे। ठीक है लाइक क्लिक आइए। और फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? आप सभी को एक बार फिर से राम राम। और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। मौसम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और हम बनाने वाले हैं गैस के ऊपर। तो मैं इधर आ चुकी हूँ और अब गैस बनाने की तैयारियाँ करते हैं फ्रेंड्स। तो इनको बोल रही हूँ मैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो कहीं घूमने चले हैं लेकिन इनको जो है टाइम नहीं मिल रहा है अभी ऑफिस की वजह से। तो जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन घूमने जाएंगे। और वैसे भी राखी आ रही है तो राखी के भाई भी जाएंगे घूमने के लिए। आ चुके हैं वो कैमरा लेके। देखिए दोस्तों मैं कैमरा लेके आ चुका हूँ और कैमरे से शूट करेंगे वीडियो। इसका जो रेसिपीज है जो भी मैं बनाता हूँ कैमरे से बनाता हूँ। अच्छा जी चलो स्टार्ट करते हैं। और ये बोलती रहती है क्या ले लिया कभी कैसे सीन ले लिया। तो अभी देखते हैं कैसे शूट करता हूँ अच्छे से। और इसको अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ही सुना देती है मुझे भी। चलो ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं चीज़ सैंडविच बनाना। और उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स कौन कौन से डालते हैं वो बताती हूँ आपको और किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है सारे एक साथ दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया एक प्लेट में और ये यहाँ पे खीरा है जिसको मैंने गोल कट किया है। और यहाँ पे ये चटनी है पुदीना और हरा धनिया की, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टमाटो सॉस, प्याज बारीक कटा हुआ, घी, टमाटो और ये हैं चीज़ स्लाइस के पैकेट जिसको अपन रखेंगे इसके अंदर बाद में आगे बताएंगे आपको। और ये जो चटनी है ये मैंने घर पे बनाई है इसकी वीडियो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन और है तो मैं जैसे जैसे चीज़ सैंडविच बनाती जाऊंगी वैसे वैसे सामान आपको दिखाती जाऊंगी। तो इस तरह से कैसे क्या बनाते हैं तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स जो ये वेजिटेबल है इसको मिक्स कर लेते हैं सारे को किस तरह से करते हैं। ये जो मैंने प्याज लिए है इसको डालूंगी मैं प्लेट में। और देखिए प्याज को मैंने कितना बारीक कटा कर कट किया है। और यहाँ पे डाले हैं मैंने टमाटो अब डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और फिर आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं
यहाँ पे मैं डालूँगी नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मैं आधा चम्मच डाल दूँ। और डालेंगे मिर्ची, तो मिर्ची भी मैं यहाँ पे आधा चम्मच लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने जो ये चटनी बनाई है उसके अंदर हरी मिर्ची डाली है। तो ये सब डाल दिया मैंने, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये देखिए अच्छे से सब सभी वेजिटेबल जो है मिक्स हो चुके हैं। और खीरा का ककड़ी का कैसे इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे वो दिखाऊंगी आगे। ये देखिए इस तरह से ये सारे इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ब्रेड लिए, तो इसके अंदर आप चाहे तो पहले सॉस लगा सकते हैं, पहले पुदीना चटनी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये सॉस डाल रही हूँ, तो सॉस सबसे पहले ब्रेड पे कैसे लगाना है वो बता देती हूँ आपको। ये मैंने इसके अंदर सॉस डाला है और सॉस को ऐसे फैला देना है। ये इस तरह से फैला दिया है। अब इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा ये मसाला, जो ये सब्जी है जो अपने इसको वेजिटेबल्स है इसको अपने इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अभी इसको भी ऐसे दबा देंगे, फैला देंगे थोड़ा सा इस तरह से। ये फैला दिया है और अब इसके ऊपर रखेंगे ये खीरा जिसको मैंने इस तरह से गोल कट किया था, इस तरह से इसको सेट कर देंगे। ये ऐसे, और अब इसके ऊपर डालूंगी मैं चीज़ स्लाइस का पैकेट है जिसमें से मैं निकाल रही हूँ चीज़। तो ये पैक मिल जाता है मार्केट में, तो इसको ऊपर कैसे कैसे इसको ऊपर रख देना है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरह का आता है, अब इसको ऐसे कैसे जमा देना है इसके ऊपर। चीज़ स्लाइस से क्या है कि बहुत ही टेस्टी लगता है ये अपना जो सैंडविच होता है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पुदीना चटनी, पुदीना चटनी ऐसे डाल के और इसको इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है पुदीना चटनी को अच्छे से। और अब क्या करना है, अब इसको ऊपर ऐसे इसको ढक देना है, इस तरह से रख देना है, रख के थोड़ा हल्के हाथों से इसको दबा देना है। और अब करती हूँ मैं गैस चालू, तवा गरम करते हैं। तो गैस जो है अपना गरम हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले घी, और घी को इस तरह से थोड़ा फैला देना है तवे के ऊपर, ये इस तरह से। और धीरे से जो ये अपना चीज़ सैंडविच इसको रख देना है, रख के और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देना है ताकि घी जो है अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। और फिर इस तरह का जो पलटा होता है उससे अपन दबा दबा के इस तरह से इसको सेक लेंगे। चिमटा है इसकी सहायता से अपन इसको पलट के देख सकते हैं कि कितना जो है सिका है। अभी थोड़ी सी कम सिका है, यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। गैस अपन को धीरे रखना है ताकि जले नहीं, थोड़ा सा घी कम लगे तो घी वो डाल सकते हैं अपन। तो इस तरह को इसको घुमा घुमा के सेक लेंगे। तो अब पलटे लगा देते हैं इसके। ये देखिए कितना अच्छा अपना सिका है। अब थोड़ा सा घी वो लगा देंगे इस साइड भी ताकि इस साइड में भी अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा ऊपर करके इसको इस तरह से और पलटे की सहायता से अच्छे से इसको सेक लेंगे अपन दबा दबा के। Thank you.
इसको अपन निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको कट करके बताती हूँ कि कैसा बना है अपना सैंडविच। तो चलिए ऐसे घुमा के इसको इस तरह से काटना होता है, ऐसे मत काटना है, तिकोना काटना होता है। तो ऐसे दबाते हुए इसको दबाते हुए रखना है इस तरह से पकड़ के, बताती हूँ आपको। ये देखिए ये दो भागों में कट के हो गया रेडी। और अब इसको ऊपर डालेंगे अपन सॉस। तो ये देखिए अपना चीज़ सैंडविच बनके हो गया तैयार। और गर्मा गर्म इसके ऊपर आप सॉस डाल के खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोनों तरह से दिखा था आपने, ये देखिए बिल्कुल मार्केट की जैसा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो अपन घर पे आसानी से बना सकते हैं। शाबाश, आज इसको मजा आ गया। आज तो बस मजा आ गया सैंडविच खा के। यस गुड बॉय गुड बॉय। ये देखिए दोनों अलग हो गए इस तरह का। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अपना चीज सैंडविच बनके हो गया तैयार। तो हमारा सैंडविच बना लिया हमने, सबने नाश्ता कर लिया। कैसा लगा आपको? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सैंडविच खा के, बहुत आज पेट भर गया डबल। लेकिन खाने का बहुत मजा आ गया। अभी खेल रहे हैं वो दोनों। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। वो कैसा लगा सैंडविच आपको? सैंडविच कैसे लगे मेरे बच्चों को दोनों को? अच्छा। तो देख के बता, सबको बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, वो तो खेलने में मगन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का सैंडविच का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, चैनल पे नए हो तो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और हम देख लो, बहुत इजी है सैंडविच बनाना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और अपन बना के घर पे खा सकते हैं। ऐसे मार्केट में तो खाते रहते हैं, लेकिन बट अपन कभी घर पे बना के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा खा के। और कभी ऐसे बच्चों के लिए बना सकते हैं, कभी सुबह शाम नाश्ता नहीं हो तो अपने पास दो ब्रेड और टमाटर की जरूरत है ज़्यादा। अगर चीज़ भी ना हो तो भी काम हो सकता है, बिना चीज़ के भी काम होता है। सॉस चाहिए, बस सॉस का थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और चटनी तो घर पे पुदीना लाओ और बना लो कुछ भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।